तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सिटी में आ चुका है कि ईगल मॉन्स्टर, जिसके साथ आज हम रैंडम आइटम्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब कि इसको बम्स उड़ाएंगे, इसको जॉम्बी से कटवाएंगे और इसको मॉन्स्टर नहीं यार, डैनो के साथ इसकी फाइटिंग कराएंगे, कुत्ते के साथ फाइटिंग कराएंगे। मतलब दुनिया भर का चीज आज इस ईगल के साथ हम करने वाले हैं फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज ना भाई, डोंट टेक इट सीरियसली। तो फिलहाल आप वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसे जोरदार गेम प्ले आपके लिए लाता रहें। तो चलो यार, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो ईगल मॉन्स्टर है ना, इसके पिछवाड़े में हम इतने सारे स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे, इतने सारे स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे कि इसने कभी सोची ना होगी। ओके भाई, ऑल सेट मैंने कर रखा है, बस इंतजार है तो हमारा बॉम्ब को एक्टिवेट करने का है भाई। ओके ट्राई करते हैं, आपको इससे गलत नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। ओपा, अरे ए भाई, इसका काम तो तमाम हो गया। अरे रुको, एक छोटा सा चीज और हम करके दिखाते हैं। अगर ईगल मॉन्स्टर के ऊपर में आप 1, 2, 3 स्टिकी बॉम्ब लगाते हैं ना, तो घंटा इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अबे बेटा रुक जा, तू भाग क्यों रहा है भाई? अबे रुक जा भाई, तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर अटैक करके दिखा, लेकिन तू भाग मत ऐसे कायरों की तरह। अबे यार, निशाना चूकना बहुत ही घटिया बात है भाई इस उम्र में। ओके चलो, देखो मैंने यहाँ पे इसके पिछवाड़े में 2 स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है, अब इसको एक्टिवेट करके देखते हैं। ये ले, मैंने कहा था ना भाई ये पावरफुल बंदा है यार, जब से 5-10 अगर इसके ऊपर नहीं लगाओगे ना, तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। तो मैंने अभी कई सारे जो मॉन्स्टर ईगल मॉन्स्टर इसको स्पॉन करवा लिया है, और अभी हम इससे करवाने क्या वाले हैं। एक्चुअली मैं इसको कार से उड़ाने की कोशिश करूँगा और देखता हूँ कि क्या ये कार पलट जाएगी या फिर जो है हमारा जो ईगल मॉन्स्टर है ये मर जाएगा। ओके फिलहाल तो हम इनोवा, नहीं यार इस लीजेंडर कार में बैठते हैं। इनोवा मेरे माइंड में आता है बार बार, पता नहीं लगता है मैं ज़्यादा इनोवा कार को देख रहा हूँ आजकल हमारे आसपास, शायद इसीलिए हो सकता है। फिलहाल यार गर्मी इतनी ज़ोरदार है ना, क्या ही बताऊँ यार। इसी बात पे एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाए कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल रहा, हम इस छोटे से कार से भी इस बुखार जानवर की वार लगा सकते हैं। यार देखो देखो भाई, यही होता है भाई, यही होता है जब खुद के अंदर जजवा कूट कूट के भरा रहता है। चलो फिलहाल मैंने इसको किल कर डाल। अबे लगता है ज़्यादा पी लिया था मैंने यार, लेकिन पसीना कुछ ज़्यादा यार गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। अभी भाई मैं इवनिंग में शूट कर रहा हूँ, फिर भी देख सकते हो यार मेरे चेहरे का हालत, आप देख सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं अगले ट्रैक की ओर। एक्चुअली अभी हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे RGS मोड में हम अटैक मोड को ऑन कर देते हैं, और अभी जो ईगल है इसको हम स्पाइनो के साथ अटैक कराएंगे, दोनों को एक दूसरे से लड़ाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो स्पाइनो को हम स्पॉन कर लेते हैं, एंड अब एक काम करते हैं, जो ईगल भाई साहब नहीं यार, उसको भाई साहब का दर्जा नहीं देंगे यार, ये हमारा बात ही नहीं मानता यार। तो चलो हम स्पॉन करवाते हैं हमारे ईगल मॉन्स्टर को, एंड देन हमें करने क्या है भाई, हमें AK-47 को सिलेक्ट कर लेना है ताकि हम इसके ऊपर टारगेट सेट कर सकें। लेकिन ये बंदा मेरे पीछे ही आ रहा है यार, दिक्कत हो जाएगा अगर ये मेरे पास में अटैक हो गया। अबे अरे यार मेरे को फॉलो मत कर, मैं तेरे को कुछ खाने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ बेटा। ओके एक बार बस शूट कर दो, इसके बाद टारगेट सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। वाकई नहीं हो गया। देखो जो स्पाइनो है हमारे ईगल को कैसे काट रहा है, लेकिन इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। अबे ए भाई, ये ज़्यादा पावरफुल है क्या स्पाइनो से? ये भाई साहब अभी क्या, हाँ तभी तो सोचो मैं कैसे फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो इसकी वाट लग गई फिलहाल। ओके बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, जिसमें हम AK-47 से आज इसकी वाट लगा देंगे। चल बेटा जा, अभी तू मेरे ऊपर कितना अटैक कर सकता है करके देखा। अबे अबे ए भाई साहब, अबे मैं मजाक कर रहा था, गलती से शूट हो गया था भाई। अबे मेरे ऊपर अटैक मत कर यार, अबे मैं मजाक गलती से लग गया था यार बुलेट। तेरी की गया गई भैंस पानी मेरे भाई, इसने मेरा वाट लगा के रख दिया। चक यार, ये चीज़ होना नहीं चाहते यार। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जोम्बी और ईगल का एक दूसरे से सामना करवाने वाला हूँ, और देखने वाला हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर या फिर जोम्बी उसके ऊपर, जब इनके ग्रुप के बीचों बीच ईगल का ग्रुप घुसने वाला है। ओके ये भाई, ये भाई जल्दी से भागते हैं यार, मैंने दोनों के ऊपर शूट नहीं करना चाहिए था, किसी एक ईगल को ही मेरे पीछे भगवाना था। अभी ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मेरा लाइफ भी हेल्थ भी कम हो रहा है। इधर से जो जोम्बी है ये भी मेरे को ठोकने के लिए दौड़ा रहे हैं। फिलहाल अभी हम ये बीचों में आ चुके हैं, बीचों बीच अब पीछे मुड़ के देखते हैं ईगल की क्या हाल चाल है। अरे भाई साहब,
ये ईगल तो मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है इन जोम्बियों की वजह से। ये जोम्बी मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईगल तो मेरे ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा है। अरे भाई ये क्या हुआ यार, लेकिन जो भी हो रहा भाई मेरी वाट लग गई पक्का। ये है समझ गया था मैं, क्योंकि जोम्बी मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, अभी दो चार और क्या बोलना चाहिए यार, नाम भूल जाता हूँ यार। अभी अभी हमारे शहर में हुआ है ना, ये जो ईगल मोस्टर है इनको अभी रॉकेट लॉन्चर से मुड़ाऊंगा। ओके कोई बात नहीं, पहले बार में ही उड़ गया, मतलब कि रॉकेट लॉन्चर ऑलराउंडर यार। किसी भी मोस्टर को दो से तीन बार में अगर अटैक करूं तो उसकी पूछे से वाट लगा सकता है। ये देखो मेरा निशाना चुक गया, नहीं लग गया, लग गया, लग गया भाई, लड़की को लग गया था पहली बार में। चलो कोई बात नहीं भाई, हम आगे बढ़ते हैं आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए, और अभी का एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए ना सबसे पहले हम मेरे प्यारे डॉगी भाई, जो कि मेरा बहुत ही वफादार कुत्ता है, इसको मैंने स्पॉन करवा लिया है। अब यहाँ पे हमें करने की क्या ज़रूरत है, अभी दो चार हमें एक काम करूँगा, नहीं चार चार, हाँ चार, हम चार स्पॉन करेंगे यहाँ पे इस ईगल मोस्टर, ताकि हम किसी के ऊपर भी आराम से अटैक कर सके। एक आध स्पॉन करेंगे ना तो भाई दौड़ाते दौड़ाते मेरी हालत बैंड हो जाएगी। फिलहाल तो इस गर्मी से मेरी हालत बैंड हो चुकी है, हर बारी है इसके ऊपर अटैक करने का। क्या लगता है आपको, क्या यह कुत्ता इस ईगल को काट सकता है, इसकी मौत का कारण बन सकता है, क्या लगता है आपको नीचे कमेंट करके बताओ। अभी तक आपने इसको देखा नहीं है ना भाई, कारण बताओ मेरे को, क्या ये हो सकता है, क्या ये डॉगी मेरा प्यारा बहादुर कुत्ता क्या इस मॉन्स्टर की वाट लगा सकता है। फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ही इधर उधर मचल रहे हैं भाई। ये आगे अटैक, अभी अटैक तो हम बराबर कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग रुक ही नहीं रहे कहीं पे। भाई रुक जाओ, है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ भाई, ये जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट इंटरटेनमेंट, भाई तुमको कुछ नहीं होगा मेरे को पता है। ओके अरे अरे भाई साहब, ये तीनों तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि इधर से कोई बड़ा सा जानवर आ गया हो। अरे भाई रुक जा, अरे रुक जा, अटैक कर। ए भाई ये काम करके रहा यार, मेरा कुत्ता तो इतना बड़े ईगल मॉन्स्टर को मार डाला भाई। ओ री बाबा री, भाई मैंने सोचा नहीं था यार मेरा कुत्ता इतना पावरफुल है, दो दो ईगल मॉन्स्टर को उसने मार ले, तीसरे नंबर का भी वाट लग गया, मजा आ गया यार, मैंने सोचा नहीं था ये होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हम बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।